कैसे थे अजीम? लास्ट वीडियो में जैसे कि आपने देखा था, हमने कुछ रूल्स पढ़े थे इंटीजर्स के लिए, जैसे कि प्लस माइनस कितना होता है, प्लस प्लस कितना होता है, माइनस प्लस कितना होता है और माइनस माइनस कितना होता है, इसके रिगार्डिंग हमने कुछ रूल्स पढ़े थे। तो आज उसी चीज को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। पहले थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं लास्ट क्लास का, कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था और उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है आज की वीडियो पर। तो उसका आज थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखे, जैसे कि आपको पता है कि हमने टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़े थे, जिसमें कि आपके नेचुरल नंबर थे, आपके होल नंबर थे, आपके प्राइम नंबर थे, और फाइनली हमने जाना था कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो ये कुछ पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने पढ़ा था कुछ रूल्स इंटीजर्स के रिगार्डिंग, जो इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, लाइक कि प्लस माइनस कितना होता है। आप सबको पता है कितना होता है, कि उसका जो आंसर निकल के आता है वो प्लस माइनस, हम दोनों नंबर्स को माइनस अगर करेंगे, अगर हमारे पे दो नंबर है जिसमें से एक प्लस है और एक माइनस है, तो उसका अगर हमें आंसर चाहिए तो उन दोनों नंबर को पहले हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, जैसे आप सबको पता है। तो हमें पहले दोनों को माइनस करना पड़ेगा, तो आंसर तो आ जाएगा हमारा माइनस करने के बाद, बट उसके साथ हम कौन सा साइन लगाने वाले हैं, हम उसे प्लस देने वाले हैं या माइनस देने वाले हैं, वो कैसे हम डिसाइड करेंगे। जो बड़े नंबर के, जो बिगर नंबर के साथ साइन होगा, वही साइन हम अपने आंसर को देने वाले हैं, ऐसे था ना। तो नेक्स्ट हमारा क्या था कि माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस हमारा क्या होता है, माइनस माइनस हमारा प्लस होता है। तो आंसर जो हमारा आ जाएगा माइनस माइनस प्लस करने पे आ जाएगा, यानी कि जो दो नंबर्स होंगे हमारे माइनस के साथ वो हम प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा, बट हमें उसे साइन क्या देना है, हमें उसे माइनस का साइन देना है, क्योंकि यहाँ प्लस का कोई बात नहीं हो रहा है, तो माइनस का साइन हो जाएगा। तो माइनस माइनस आंसर आएगा हमारा प्लस कर करके, बट साइन जो आएगा हमारा माइनस का आएगा। थर्ड क्या था कि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस प्लस आंसर तो हमारा कैसे आ जाएगा, प्लस 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 कर करके आ जाएगा, बट साइन क्या हो जाएगा हमारा, साइन हमारा प्लस का ही रहेगा, क्योंकि यहाँ माइनस का कोई बात नहीं हो रही है। तो आंसर कैसे आ जाएगा, अगर दो नंबर हम पे प्लस के हैं तो दोनों को ऐड करने के बाद आंसर आ जाएगा, और हमारा जो साइन होगा, साइन हमारा प्लस का होगा, क्योंकि यहाँ माइनस की कोई बात हो ही नहीं है। फोर्थ रूल क्या था हमारा, फोर्थ रूल था माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस होता है, आप सबको पता है, कि आंसर कैसे आ जाएगा हमारा, कि माइनस प्लस दोनों को अगर माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। तो हमारा आंसर कैसे निकलेगा, दोनों नंबर्स को माइनस कर देंगे, बट साइन कौन सा लगाएंगे, तो द साइन विद बिगर नंबर, जो बड़े नंबर के साथ जो साइन होगा वही हमारा आंसर के साथ साइन आ जाएगा। तो ये कुछ हमारा लास्ट वीडियो का लास्ट जो पार्ट हमने पढ़ाया था, उसमें कुछ ये रूल्स हमने पढ़े थे। तो आज उसी के रिलेटेड हम क्वेश्चन कुछ करने वाले हैं, उसके बाद दोबारा से हम इंटीजर्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो उसके रिगार्डिंग कुछ एग्जाम्पल्स, आप चाहो तो इन्हें अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हो। तो पहला एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने रखता हूं, क्या ले सकते हैं, कोई भी आप नंबर ले सकते हैं, लाइक 76 प्लस 24। पहला नंबर क्या है, पहला एग्जाम्पल क्या है कि माइनस का 76 और प्लस का 24 का आंसर क्या होने वाला है। आप सभी करिए इसे, जैसे कि मैंने समझाया उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। मैं आपको कुछ टाइम देता हूं, आई होप आप निकाल पाओगे। तो क्या आ जाएगा कि एक नंबर हमारा माइनस का है, एक नंबर हमारा प्लस का है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि माइनस प्लस आंसर कैसे आएगा, माइनस कर करके, मतलब कि दो नंबर है जिसमें एक माइनस का है एक प्लस का है, तो आंसर मैं कैसे निकालूंगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करके। तो पहले हम सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं कि 6 माइनस 4 इज 2, 6 माइनस 4 इज 2 और 7 माइनस 2 इज 5। तो आंसर तो मेरा 52 आ गया, सबको दिख रहा है कि मतलब माइनस प्लस माइनस करने पे हमारा आंसर आ गया, सब दोनों को सब्ट्रैक्शन करने के बाद आंसर आ गया हमारा, बट साइन कौन सा लगाऊं मैं।
आप सब जानते हैं जैसे कि मैंने बताया आपको कि जो साइन आपका बड़े नंबर के साथ होगा वही साइन आपका आंसर के साथ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर 76 बड़ा है 24 से और 76 के साथ कौन सा साइन है, वहां पर माइनस का साइन है, तो आंसर में क्या आ जाएगा हमारा -52। बात समझ में आ रही है ना, क्या किया हमने कि प्लस प्लस माइनस माइनस, आंसर हमारा कैसा आया सब्ट्रैक्शन करके और साइन हमने ले लिया बड़े वाले नंबर का, तो इस तरह से माइनस का 52 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आगे ना बात समझ में। सेकंड की अगर मैं बात करूं, कोई भी नंबर ले सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, तो सेकंड में अगर ले लेता हूं, मान लेते हैं 52 प्लस 76, दो नंबर ले लिए हमने, तो दोनों में क्या है, दोनों प्लस के नंबर है, 52 भी मेरा प्लस का नंबर है और 76 भी मेरा प्लस का नंबर है, तो हम रूल के अकॉर्डिंग जाएंगे तो प्लस 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 प्लस, तो आंसर कैसे आ जाएगा, दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा, दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो पहले ऐड कर लेते हैं, 2 और 6 8, 6 प्लस 2 8 और 7 प्लस 5 इज 12, तो 128 तो आंसर आ गया मेरा, बट साइन कैसा, साइन यहां पर आ जाएगा प्लस का, क्योंकि यहां माइनस की बात ही नहीं हो रही है, 52 भी मेरा प्लस का है और 76 भी मेरा प्लस का है, तो यानी कि आंसर मेरा 128 आया प्लस करने के बाद और साइन मेरा प्लस का रहा क्योंकि यहां पर माइनस की कोई बात ही नहीं है। थर्ड एग्जांपल की तरफ अगर चले हम, तो थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं हम, ले लेते हैं प्लस 76 माइनस 52 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर दो नंबर है, प्लस 76 और माइनस 52, देख लेते हैं क्या आ जाता है, आंसर कैसे आएगा कि प्लस माइनस माइनस, यानी कि दोनों नंबर्स को आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तब तो आंसर आएगा आपका। तो पहले सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि 76 माइनस 52 कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2 इज 4 और 7 माइनस 5 इज 2, तो आंसर तो मेरा निकल गया दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद, बट साइन कौन सा लगाऊंगा मैं, साइन मैं लगाने वाला हूं माइनस 52 है और प्लस 76 है, तो बड़ा नंबर कौन सा है, आप क्लियरली देख पा रहे हो कि 76 बड़ा है और 76 के साथ साइन कौन सा है, प्लस का, तो आंसर के साथ प्लस का साइन आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है ना। देखिए मैंने पहला एग्जांपल में कुछ बताया, सेकंड में फिर कुछ बताया और थर्ड में फिर कुछ बताया, बात क्लियर है तीनों में, ठीक है ना। फोर्थ की तरफ अगर चले हम, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं कह देता हूं कि माइनस 52 माइनस 58, दो माइनस के नंबर, दो माइनस के इंटीजर, दो इंटीजर है जो दोनों माइनस के हैं, उन दोनों को अगर मैं ऐड कर रहा हूं, दो नंबर्स है जो दोनों माइनस के हैं उन्हें अगर ऐड करना है मुझे, तो उसका आंसर कैसे आएगा, तो पहले यहां पे हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा ना, तभी तो हम कर पाएंगे। तो माइनस का 32 तो ऐसे ही रहने वाला है और प्लस माइनस, देखिए माइनस का 58 है वो ब्रैकेट के अंदर है और प्लस बाहर है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा जैसे हम ऊपर से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो प्लस माइनस इज माइनस, बात क्लियर है। तो यहां पे कितना हो जाएगा, 58, बात क्लियर है। तो इसमें आप देखिए कि दो नंबर मेरे पे बन गए हैं कि माइनस का 32 और माइनस का 58, जैसे कि आप सभी जानते हैं और आप अच्छे से आपको पता भी है कि माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो आंसर मेरा कैसे आ जाएगा, दोनों नंबर्स को अगर मैं प्लस करूंगा तो आंसर आ जाएगा मेरा, कोई डाउट नहीं है। तो पहले प्लस कर लेते हैं कि 8 प्लस 2 इज 10, तो 10 का 0 कैरी जाएगा 1 और 5 प्लस 1 6 प्लस 3 9, आंसर कितना हो गया 90, आंसर हो गया 90, बट साइन कौन सा होगा, साइन कौन सा होगा, साइन होगा माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस तो हो गया, आंसर मेरा 90 तो आ गया, बट माइनस का साइन क्यों, क्योंकि यहां प्लस का कोई नामोनिशान है ही नहीं, यानी कि प्लस की कोई बात ही नहीं हो रही, सो माइनस का 90 हो गया, बात समझ में आ गई। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैं आपके लिए लेके आया था, एक एग्जांपल और कर लेते हैं इसके रिगार्डिंग, तो आपको और पिक्चर थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। ले लेते हैं एग्जाम्पल 5 की अगर मैं बात करूं, तो -56 प्लस 39 माइनस 16
एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो इसमें क्या है कि पहले आपको ब्रैकेट आपको सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ही आंसर आ पाएगा, आपको पता है। सो माइनस 56 प्लस 39, सो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, आपको पता है। सो माइनस का 16 आंसर आ जाएगा यहां पर, माइनस का 16, तो माइनस 16 यहां पे आंसर आ जाएगा जब ब्रैकेट आप ओपन करेंगे, तो प्लस माइनस 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 16। अभी क्या करते हैं कि पहले इन दो को ले लेते हैं, पहले दो को लेने पे क्या आएगा, माइनस 56 प्लस 39, माइनस 56 प्लस 39, सो माइनस प्लस माइनस, आंसर तो आपका माइनस होगा। आंसर कैसे आएगा, दोनों नंबर्स को जब माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका, तो माइनस प्लस माइनस, सो 56 माइनस 39 कर लेते हैं पहले, तो 16 माइनस 9 इज 7, 16 माइनस 9 इज 7 और 4 माइनस 3 इज 1, सो आंसर आपका आ गया 17, दोनों का आंसर आ गया 17 किसका, माइनस प्लस माइनस आंसर आ गया 17, बट किसका, कि जो साइन आपके बड़े नंबर के साथ है, 56 इज ग्रेटर देन 39, सो माइनस का 17, माइनस 16 यहां पे ऐसे ही रहेगा सेम, सो माइनस 16, अब माइनस 16 दोनों का आंसर आ गया माइनस 17, माइनस 16 यहां नीचे आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी क्या है कि माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, जैसा आपको बहुत अच्छे से पता है लास्ट वीडियो में हमने देखा भी था कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो आंसर कैसे आ जाएगा, 17 प्लस 16 करने पे आंसर आ जाएगा, तो 17 प्लस 16 कर लेते हैं पहले, सो 7 प्लस 6 इज 13, सो 3 कैरी जाएगा 1, 1 1 1 2 2 1 प्लस 3, सो 33 आंसर आपका आ चुका है, माइनस माइनस प्लस करने पे आंसर आ चुका है, बट साइन किसका, माइनस का, क्यों माइनस का, क्योंकि प्लस की कहीं बात हो रही है, नहीं हो रही है बात प्लस की, सो माइनस का 33 आंसर हो जाएगा आपका, बात समझ में आई है। सो ये कुछ एग्जांपल्स मैं आपके लिए लेके आया था, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने कुछ रूल्स पढ़े थे इंटीजर्स के रिगार्डिंग, सो उसको उस उन रूल के बिहाफ पर ये एग्जांपल्स कुछ लेके आया था, ताकि आपको जो पिक्चर है और थोड़ी सी ज्यादा क्लियर हो पाए कि ये रूल्स कैसे काम करते हैं, प्लस माइनस कैसे होते हैं, माइनस प्लस कैसे होते हैं। तो ये वो एग्जांपल्स हैं जिसकी हेल्प से आप और अच्छे से क्लैरिफाई कर पाएंगे कि वो रूल्स कैसे काम करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर कुछ भी इस वीडियो के रिगार्डिंग आपका डाउट है, कुछ भी आपको इस वीडियो में नहीं समझ में आया हो, सो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर ये वाला पॉइंट मुझे क्लियर नहीं है, आप ये वाला बता दीजिए, सो आई विल क्लियर योर डाउट इन वेरी नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो अभी फिलहाल हम इस पार्ट को यहीं तक रोकते हैं, आगे हम फिर से कंटिन्यू करने वाले अपने इंटीजर्स पे, क्योंकि अभी इंटीजर्स खत्म नहीं हुआ, अभी तो स्टार्ट है। अभी क्या है कि अभी स्टार्ट है, क्या है ना, अभी बेसिक से हम लेकर चल रहे हैं इंटीजर को, तो हो सकता है कि आपको वीडियो थोड़ा सा लंबा लगे और हो सकता है कि कुछ ज्यादा वीडियो उसमें बन जाए, बट आप अगर इस चैनल के साथ बने रहेंगे, आप इन वीडियोस के साथ बने रहेंगे, तो इंटीजर्स में आप एक आने वाले टाइम में, कुछ आने वाले टाइम में मास्टर होने वाले, क्योंकि आप बेसिक से पढ़ रहे हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या रीजन होता है प्लस माइनस के पीछे, या नंबर्स लाइन कैसे करते हैं, टाइप ऑफ नंबर कितने होते हैं, इंटीजर्स कैसे कहते हैं, तो ये सारी चीजें आपको, ये सारी पिक्चर आपको क्लियर होने वाले हैं कुछ आने वाले वीडियो में। ओके, सो अभी इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, इस पार्ट को यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट हम इंटीजर्स पे फिर से फोकस करने वाले हैं, फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं, जो नेक्स्ट का टॉपिक होने वाला है हमारा, जो नेक्स्ट पार्ट में जो हमारा टॉपिक होगा इंटीजर के रिगार्डिंग, वो होगा प्रॉपर्टीज इन इंटीजर्स। सो ये टॉपिक जो है हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं इंटीजर्स में, तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, इस पार्ट को, और नेक्स्ट वीडियो में जैसे कि बताया कि वो टॉपिक होने वाला है। ओके ओके, थैंक यू।